उत्तर प्रदेश सब्जियों के मामले में शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। 2020 से दो साल के बाद 2021 और 22 में फसल वर्ष जुलाई और जून में उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 2021 और 22 में 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो कि 2020-21 में 29.16 मिलियन टन से कम है, जबकि पश्चिम बंगाल का उत्पादन 2021 और 22 में घटकर 28.23 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो कि 20 और 21 में 30.33 मिलियन टन था। चालू वर्ष 2021 और 22 आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के अन्य शीर्ष उत्पादकों में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर मौजूद है, फिर बिहार इस सूची में शामिल है और फलों के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष उत्पादक वाला राज्य बना हुआ है। पूरे भारत की बागवानी उत्पादन पिछले वर्ष 2020 और 21 की तुलना में 2021 और 22 में 0.4% घटकर 333.25 मिलियन टन होने की संभावना है, क्योंकि सब्जियों, मसालों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में गिरावट तय है। साल 2021 और 22 में आंध्र प्रदेश 18.01 मिलियन टन फलों के उत्पादन होने की उम्मीद है, जो 2020 और 21 में 17.7 मिलियन टन से अधिक है और फलों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर मौजूद है।